नमस्कार दोस्तों, टेक फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कस्टमर्स हैं वो अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू आधार कार्ड को अपने अकाउंट से किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आता हूँ टेक रिलेटेड वीडियोस और बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारी यूजफुल वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को किस तरीके से लिंक करना है। तो चलिए दोस्तों ब्राउज़र पर चलते हैं। ब्राउज़र में आपको ऑनलाइन SBI वेबसाइट खोलनी है, जिसका वेब एड्रेस है www.onlinesbi.com। देखिए ये होम पेज खुला है, मैंने यहाँ पर्सनल बैंकिंग में लॉग इन कर लेता हूँ। कंटिन्यू लॉग इन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपना यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम डाल देता हूँ अपना, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया अपना। देखिए ये ऑनलाइन SBI का नेट बैंकिंग का होम पेज ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपका अपना आधार कार्ड किस तरीके से लिंक करना है। इसमें सबसे पहले ही ऑप्शन में आप जाएंगे माय अकाउंट में, इसमें नीचे देखेंगे आपको लिंक योर आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर योर ट्रांजेक्शन अकाउंट। आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस भी अकाउंट से आपको लिंक करना है। अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा, जो आपका नेट बैंकिंग में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। इसके लिए दोस्तों आपका नंबर मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर होना जब बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ऑनलाइन अपना आधार कार्ड इसमें डाल सकें। मैं अपना आधार कार्ड का नंबर इसमें डाल देता हूँ। एक बार फिर से आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए और दोबारा से अपने आधार कार्ड से देख कर डालिएगा, ताकि कोई गलती ना हो। और यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों मेरे मोबाइल पर एक OTP आएगा उसके बाद आपको पास, जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है। मेरा OTP आ चुका है और मैं यहाँ OTP डाल देता हूँ। और यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही दोस्तों आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। द स्टेटस ऑफ आधार सीडिंग विल बी कम्युनिकेटेड ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा। देखिए मेरे पास मैसेज आ चुका है, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार रजिस्ट्रेशन बियरिंग रेफरेंस नंबर दिस इज पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। देखिए इस तरीके से आप अपना आधार कार्ड का नंबर ऑनलाइन ही अपनी नेट बैंकिंग के जरिए बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा ऑनलाइन, आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप अपने आधार, जो डिजिटल इंडिया का आधार पेमेंट मर्चेंट ऐप है जो कि एंड्रॉयड फोन में अवेलेबल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसान। ये थे बहुत कुछ हिडन फीचर्स नेट बैंकिंग के। अगले वीडियो में आपके लिए और यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।